इस आज आर्ट एग्जीबिशन के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या खास रही इस आर्ट एग्जीबिशन में? एक तो वाइब्रेंट कलर्स और इस आर्ट पेंटिंग की बात ही कुछ अलग है। हर पेंटिंग यहाँ पर और हर पेंटर अपनी ही एक जबान बोलता है। कलर स्कीम यहाँ की और हर एक आर्ट पीस अपने आप में एक डिफरेंट टाइप का आर्ट पीस है जो देखने मिलता है, जो बहुत सारी एग्जीबिशन में नहीं मिलता। जो पेंटिंग एग्जीबिशन थी, आपको कौन सी पेंटिंग बेहतर लगी जो बाकी अदर्स पेंटिंग कैंपेन में काफ़ी बेहतरीन या अट्रैक्टिव हो? जो यहाँ का एंशिएंट आर्टवर्क है जो एग्जिबिट किया है, जो क्रिएटिविटी, किसी भी आर्टिस्ट की खूबी यह है कि किसी ने फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं लिया है। सारे के सारे आर्टिस्ट ने अपनी इमेजिनेशन से जो उनको आया है वो उन्होंने पोर्ट्रे अपने कैनवस में किया है, जो सबसे बड़ी बात है। आर्टिस्ट की जो रूप से निकलता है और कैनवस के ऊपर पेंट होता है, उसकी कोई कंपैरिजन हो नहीं सकता। कमर्शियल आर्ट स्कूल आपको स्कीम सिखा सकता है, फॉर्मेट सिखा सकता है, लेकिन जो आत्मा से निकली हुई इमेजिनेशन होती है वो आपको कोई सिखा नहीं सकता, जो इन पेंटिंग्स में देखने को मिलती है। डिफरेंट जॉनर्स में काम करने वाले आर्टिस्ट इकट्ठा हुए हैं और ये बहुत बड़ी बात है कि इकट्ठा होने के बाद एक अम्ब्रेला के नीचे आकर सारा आर्ट इतनी, जिसको हम अपनी कंट्री की यूनिटी इन डाइवर्सिटी बोले, वो हमें यहाँ डेफिनेटली देखने को मिलता है। और हर कलाकार दूसरे कलाकार को प्रोत्साहित कर रहा है आगे बढ़ने के लिए और सुंदर काम करने के लिए। और जो हमारे चीफ गेस्ट रहे आज शाम के, उन्होंने तो जैसे चार चांद लगा दिए यहाँ आकर। और शालिनी जी, थैंक यू सो मच, आप यहाँ आई और सर को भी साथ लाई, एंड वी हैव अपर्णा जी जो आए और अपने परफॉर्म में किए एक शरीफ। तो ये बहुत अच्छा मौका रहा, सारे आर्टिस्ट का इंटरेक्शन बहुत ही अच्छा रहा सबके साथ, और वी आर वेरी वेरी मोटिवेटेड टू वर्क फर्दर विद मोर एंड मोर इंस्पिरेशन। थैंक यू सो मच। जो डे टू डे लाइफ जो होती है उसमें ज़्यादा करके फंक्शनल चीज़ों की तरफ हम लोग ध्यान देते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद एक चीज़ हम समझते हैं कि आर्टिस्ट उसके अलावा कितना सोचता रहता है, कितना एक ज़िंदगी से अलग चीज़ों को मद्देनजर रख के अपने काम को आगे बढ़ाता रहता है। और आर्टिस्ट एक जीवन को अलग डिमेंशन देता है, और इतने सारे आर्टिस्ट एक जिसको हम लोग एक वैल्यू कहते हैं, एक वैल्यू बेस्ड काम कर रहे हैं, और उन्हें इतने इतने सारी उनकी तपस्या है। और मुझे लगता है कि हमें ऐसे एग्जीबिशंस को बार बार आते रहना चाहिए और जीवन के लिए एक अच्छा एक मार्ग ले जाता है जब भी हम ऐसे
काम को देखते हैं. अदरवाइज एक सिटी लाइफ में काफ़ी प्रैक्टिकल फंक्शनल जैसी चीज़ हो जाती है उसे बहुत ही अच्छा है. और मैं इन सब आर्टिस्ट को एक धन्यवाद कहती हूँ कि उन्होंने लाइफ की वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ उसको एक जागरूक रखा है और एक तपस्या करते हैं. आई एम श्योर मुझे लगता है कि उनमें उनकी जो अनुभूति है वो शब्द में हम लोग कह नहीं पाते, उनकी पेंटिंग से ही समझ में आ रही है. सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी. सर आपकी पेंटिंग यहाँ पे लगी हुई है और पेंटिंग में आपने ब्रह्मास्त्र को दिखाया है, आपने देवी देवता को दिखाया है, तो उसके बारे में कुछ बताइए. मतलब किस तरह से माइंड आपने सेटअप किया है कि ब्रह्मास्त्र भी दिखाएंगे, देवी देवता भी दिखाएंगे, अलग अलग हो जाते हैं. तो प्राचीन काल जो है इसके पीछे आध्यात्मिक ताकत है. जैसे कि जो पुराने मंदिर बने हुए हम लोग कहते हैं कि अभी गौतम प्रगत है, वैसे नहीं पहले का भी प्रगत था, लेकिन उन्होंने जो काम किया है स्पिरिचुअल काम जो किया है एक पैर से किया. वो जो काम करते थे तो उसका पूरा ध्यान निकल रहता था, उनसे बात करते थे कि फिर मुझे स्कल्पचर बनाना है, तो उनसे बात करते थे. कैसे बात करते थे कि भाई अगर कुछ काम रुका हुआ है तो मुझे आगे कैसे बढ़ना है, तो वहाँ से उनको स्पिरिचुअल पावर मिली. जैसे कि लोग कुछ लोग कहते हैं कि कॉस्मिक एनर्जी, वो एनर्जी अलग होती है. मतलब इंसान के दिलो दिमाग में ज्ञान में छोटा बच्चा हो जानवर जो भी है, लेकिन उसका इस्तेमाल अगर आप अपने दिल से करेंगे तो उससे आपका फायदा होता है. इसके ऊपर आर्ट जो होती है जिसे पेंटिंग कहते हैं, कला कहते हैं, बहुत किस्म की कला होती है, लेकिन इसमें अगर आप प्यार से काम करेंगे तो वही आपको सिखाती है. आपको पूरा निराश निकल जाता है, आपका जीने का ढंग बदल जाता है, आप सही ढंग से जी सकते हैं. उसमें एक तरह से प्यार है लेकिन उसमें मोह माया नहीं है. जो आदमी मोह माया के पीछे लगा वो खत्म हो गया, तो उसमें वो फंस जाता है. लेकिन जो प्यार से जीता है, सबको साथ मिलकर जीता है, उसकी ज़िंदगी सफल हो जाती है. और जो भी आगे आना है कुछ भी कठिनाई होगा तो उसमें से तैर के निकल जाता है. सर यहाँ पे आज चीफ गेस्ट आए और आपकी तस्वीरों की काफ़ी तारीफें हुई हैं, उसके बारे में कुछ बताइए. सर अभी वो उनके बारे में क्या कर सकते, वो उनका बड़प्पन है, उनको मेरे काम पसंद आए और खुश हुआ. उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं सकते, मुझे खुशी हुई कि उनको मेरा काम पसंद आया. सर दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे, आपकी पेंटिंग आज से लगी है, कितने दिनों के लिए जहांगीर आर्ट गैलरी में लगी है? पेंटिंग 27 तारीख तक है, 27 तारीख के शाम 7 बजे तक है. और मैं सबसे विनती करूँगा कि जरूर आइएगा. हर एक आर्टिस्ट का अपनी नज़र है, उन्होंने काम बहुत अच्छा किया होगा, करता है उसे बहुत अच्छा प्रोत्साहन मिलता है, पब्लिक अच्छी रिस्पॉन्स देते हैं और इंडस्ट्रियल लोग भी परचेज करते हैं, उससे आदमी को एनर्जी मिलता है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है. और मैं बहुत साल से देखता हूँ लीजा आप एग्जीबिशन कैसा करने का, 7 साल पहले आप फॉर्म भरा तो अभी हमें मिलता ऐसा काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है जहांगीर आर्ट गैलरी का. लंबा इमीडिएटली नहीं, जो भारत भर के आर्टिस्ट सब अलग अलग स्पेशल आर्टिस्ट हैं. मैंने जो क्रिएट किया है मेरा कॉस्मिक एनर्जी के ऊपर मैंने किया है, विच इज अनसीन पावर, डिवाइन पावर, इट वी कांट सी इट बट हाउ टू एग्जिबिट इट इज वेरी डिफिकल्ट. सो माई वाइब्रेशन, फ्रिक्वेंसी, वेव्स, मूवमेंट, ये सब कैसा बताने का, वो सब मैंने ट्राई किया है. मेरा कॉस्मिक एनर्जी इट इज अ स्पेशल लैंग्वेज ऑफ माइंड क्रिएटेड बाय मी. थैंक यू. आपने सर कौन से आर्ट पेंटिंग्स एग्जिबिट की है, इसको आपने अपनी पेंटिंग में क्या दर्शाने की कोशिश की है? सर मेरी पेंटिंग्स में विषय को बदलते रहते हैं, विषय संगीत रहता है, संगीत से जो एक अलग तरह का रिदम क्रिएट होता है या संगीत से जो एनर्जी क्रिएट होती है वो भी लोगों तक पहुँचे, लोग उससे लाभान्वित हो. आर्ट क्रिएटिविटी आके कहीं ना कहीं सुकून देती है. आर्ट आखिर होता क्या है, आर्ट ऐसी चीज़ है जो कहीं ना कहीं गॉड को खोलते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं गॉड को खोलने का मतलब एक ऐसी चीज़ है ज्ञान से परे जो अंदर से आती है, जो अंदर से आती है वो अंदर तक पहुँचती है, तो वो अंदर तक और अच्छे तरीके से पहुँचे. इसके लिए हम लोग कैनवास के साथ लगातार द्वंद्व में रहते हैं और चीज़ों हमारी चीज़ें वस्तुता होती क्या है,
होती है कि हमारे हम संवाद जो करते हैं कैनवास के माध्यम से, सीधे वार्तालाप हम अपनी बातों से ना करके हम अपनी बातों को कैनवास के जरिए आप तक पहुँचा देते हैं। जैसे मेरा संगीत पे भी बड़ा रुझान रहता है, हम संगीत को एक विषय के रूप में जरूर बना हुआ, लेकिन विषय बदलते रह सकते हैं। मेरे विषय आपने देखा होगा, मेरे गणेशा की भी सीरीज बनी हुई है, तो गणेशा एक क्रिएटिविटी हो गया, गणेशा से बढ़कर कोई क्रिएटिविटी नहीं है कि आप उस पर तरह तरह की क्रिएटिविटी डेवलप कर सकते हैं, उसमें अलग तरह की आज़ादी है, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, अपने हिसाब से उनकी कैरिकेचर डेवलप कर सकते हैं। लेकिन जो रिफ्लेक्ट होके जाता है उसका जो माध्यम हमने तय किया, जो रंग हम इस्तेमाल करते हैं, वस्तुतः हम जो खासकर मैं जो रंग इस्तेमाल करता हूँ आप देखते होंगे काफ़ी वाइब्रेंट कलर भी आप देखते होंगे। मेरा ये मानना है कि हर कलर के अपने मायने होते हैं, कहा जाता है कि ये कलर ज़्यादा अच्छे हैं, ये कलर कम डल है, इसका साउंड नहीं है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है हर कलर के अपने मीनिंग होते हैं, हर कलर में एनर्जी होती है, तो सारे कलर्स लोगों तक पहुँचती है तो एनर्जी भी लोगों तक पहुँचती है, और उसके द्वारा लोग जो है कहीं ना कहीं दिनों के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ अच्छा चीज़ देखी आज, अच्छे अच्छे पेंटिंग देखी, और मैं कहने से बहुत ही इम्प्रूस हो गया हूँ। ऐसे शरीर पर मुंबई मैं सब पेंटिंग में काफ़ी जाता हूँ, उनका ऐसे चीफ गेस्ट मेरे इनॉग्रेट करता हूँ, लेकिन आज सभी बोलता हूँ ऑफ लॉन्ग लॉन्ग टाइम मुझे लग रहा है एक मैं अच्छे एग्जीबिशन को आ गया, और मैं खाते से बोलना चाहता हूँ
आज की जो पेंटिंग से जो लगाई है, हर एक का अपना अपना मतलब अलग है, उनका उद्देश्य अलग है, तो जो मेहनत की है हर एक आर्टिस्ट ने एक एक पेंटिंग में मेहनत की है, देखिए वो बहुत खुश हो गया। उनको पूछ रहा था, उनसे आइडिया ले रहा था कि क्या है, बट देन देखिए कि जो आइडियाज दी थी उससे मैं बहुत खुश हो गया हूँ। वन थिंग आई से दिस वन ऑफ द बेस्ट एग्जीबिशन जो है उन लोगों ने प्रेजेंट किया है, एंड आई रियली विश ऑल दिस आर्टिस्ट ग्रेट सक्सेस, एंड आई रियली फील फ्रॉम माय बॉटम ऑफ द हार्ट ये जो आपका एग्जीबिशन जो है अच्छी सक्सेसफुल होने वाला है। और मुंबई के लोग जो है उनको बहुत दूसरे जानता हूँ, मैं 25 वर्ष से मैं नशीर को मुंबई में घूमता हूँ, करता हूँ, एग्जीबिशन सब देखते रहता हूँ, उनकी इनोवेशन करते रहता हूँ। आज का जो एग्जीबिशन जो है सचमुच बहुत ही अच्छा था, और मुझे खातरी है और मैं चाहता हूँ मुंबई के जो नागरिक जो है जो अच्छे अच्छे कलाकार हैं जिनको इसमें इंटरेस्ट है, जो कलाकृति में देखते रहते हैं, एग्जीबिशन आते रहते हैं, और जो लेना चाहते हैं अपने अपने घर में सजा अपने घर सजाना चाहते हैं, आप लोग सब ये पेंटिंग में आइएगा। चांदी राज में जो पेंटिंग जो है अच्छे से साथी है, और मुझे खुशी हो रही है कि आप देखेंगे सर शिल्प मुंबई। आई रियली कांग्रेचुलेट यू फॉर डूइंग दिस वंडरफुल वर्क। थैंक यू।